बुलंदशहर में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस ने की शांति समिति की बैठक। खोजा तहसील में की गई बैठक। बैठक में सर्व समाज की गणमान्य लोग शरीक हुए। पुलिस ने दोनों धर्मों के लोगों से कोरोना काल के नियम अनुसार त्योहार मनाने की अपील। समिति की बैठक में जो आगामी त्योहारों का महीना है हमारा, उसमें पहले बकरा ईद है, फिर रक्षाबंधन है और उसके बाद जन्माष्टमी का त्यौहार है इसी महीने में, इन्हीं विषयों पर सब लोगों से वार्ता करने के लिए आज सबको बुलाया गया था और इसी इशू को लेकर के बताया गया कि भाई इस बार नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ी जानी है, न मस्जिदों में जाएंगे, एक बार में कहीं भी 5 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे होकर के त्यौहार के नाम पर कहीं इकट्ठा होंगे नहीं, मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगे और कोरोना से बचाव के लिए यही सावधानियां सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और त्यौहार में कहीं भी सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई कुर्बानी नहीं होगी और कुर्बानी के बाद जो उसको ले जाया जाएगा वो भी किसी ब्लैक पॉलीथीन में लेकर के जाएं और उसका ये ना हो कि कोई अवशेष इधर उधर पड़ा रहे, उस अवशेष को भी ठीक से उसको दफन करेंगे कहीं स्थान पर, उसके लिए नगर पालिका और गांव के प्रधान व्यवस्था कर रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि बिल्कुल पूरे सुरक्षा और कोविड SOP का पालन करते हुए लोग इन त्योहारों को मनाएंगे। बुलंदशहर के खुर्जा तहसील में की गई शांति समिति बैठक। आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमशुद्दीन सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।